हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर्स। आज हम एक पोइम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द एक्सप्रेस, जिसके राइटर हैं स्टीफन स्पेंडर। फ्रेंड्स, इस नाम से हमें द एक्सप्रेस नाम से हमें लगता है कि ये कोई कुरियर सर्विस की या किसी फ्लाइट का या एरोप्लेन का किसी का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पोएम है ये एक ट्रेन के बारे में है, जैसा हम सभी जानते हैं एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में है। और ट्रेन में हम सभी लोग, ट्रेन में आप भी मैं भी सभी हम बैठे हैं, और ट्रेन में बैठने का एक अलग रोमांचक अनुभव होता है। ट्रेन की यात्रा बड़ी ही और एडवेंचरस जर्नी होती है हमेशा। ट्रेन में बैठना, बचपन में ट्रेन को देखने पर और बड़ा ही ऐसे आश्चर्य महसूस होता था कि यार ये इतनी लंबी ट्रेन देखने के लिए जाते थे कि कितनी बड़ी एक चीज़ है जो चलती है, ऐसे इतने पहिए हैं इसके, इतने बड़े बड़े दरवाजे गेट हैं, ऐसे सीटी बजती है। तो ये एक एंथ्रॉलिंग एक्सपीरियंस हुआ करता था, और आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू माइट हैव दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है बचपन में, ट्रेन से मुझे बहुत लगाव था। तो ये पोइम मुझे भी बहुत अच्छी लगी, आई होप दैट यू विल ऑल्सो लाइक द पोइम। इस पोइम में पोइट ने और ट्रेन के बारे में लगभग यही तरह, इसी तरह की एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक्सप्रेस किए हैं। आइए अब हम बात करते हैं स्टीफन हैरल्ड स्पेंडर, जो पोइट हैं इसके, उनके बारे में। He was born on February 28, 1909 in London. He attended Oxford University and fought in the Spanish Civil War. In 1920s and 1930s, he associated with other poets and socialists such as W.H. Auden, Christopher Isherwood, Louis MacNeice, C. de Lavis. And his early poetry was often inspired by social protest. During World War II, स्पेंडर वर्क फॉर द लंडन फायर सर्विस। तो काफ़ी और अच्छा उनका जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं, बहुत सारे पोइट्स से वो जुड़े रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने फायर सर्विस में भी काम किया था। स्पेंडर की जो वर्क्स हैं उनकी अब हम बात करते हैं। स्टीफन स्पेंडर की जो पोइट्री की बुक्स हैं उनमें 20 पोइम्स, वियना, द स्टिल सेंटर, पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, जनरस डेज, ये उनकी पोइट्री के कलेक्शन हैं। स्पेंडर वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, वो भी एक प्रोफेसर थे इंग्लिश के लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में, फ्रॉम 1970 टू 1977, एंड गेव फ्रीक्वेंट लेक्चर टूअर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ही वॉज नाइटेड इन 1983, उनको नाइट की उपाधि मिली थी 1983 में। स्पेंडर डाइड ऑन July 16, 1995 में ही डाइड। अब हम बात करते हैं पोइम के बारे में। ये जो पोइम है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन के बारे में उन्होंने बहुत ही एक रोमांचक तरीके से, बहुत ही और मजेदार तरीके से, और एक लाइवली मैनर में, जीवंत तरीके से, इमेजेस के साथ, सिंबल्स के साथ, और उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है एक ट्रेन का। और ये बहुत ही और शानदार पोइम है। द पोइम द एक्सप्रेस इज रिटन इन द प्रेज ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बाय स्टीफन स्पेंडर। द पोइम सिंबलाइजेज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वेल एज द मॉडर्न रोमांटिक ईरा विच इज इन कॉन्ट्ररी टू द ट्रेडिशनल वन। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजास हैविंग 27 लाइन्स एंड देर इज नो डेफिनेट राइम स्कीम। ये जो पोइम है इसके बारे में एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे रोमांटिक पोइट्री थी उसकी जो थीम थी वो मोस्टली नेचर हुआ करती थी, और नेचर के बारे में जो वो पोइट्स हैं वो जैसे फ्लावर्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, और फैंटेसी फैंटेसाइज करते थे उसको, उनके बारे में काल्पनिक तरीके से पोइट्री लिखते थे। लेकिन उसका एक तरह से, और इसमें कंट्रेरी उसके उन्होंने विपरीत इसमें लिखा है, यानी इसमें उन्होंने और एक ऐसी चीज़ की बारे में लिखा है जो नेचर की नहीं है बल्कि मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक वस्तु है, ट्रेन। तो जो रोमांटिक पोइट्स थे उनके खिलाफ, उनके विपरीत जो ये एक धारा चली थी
डब्ल्यू एच ओडिन वगैरह जिसमें शामिल थे, और उसी कड़ी में स्टीफन स्पेंडर ने ये पोइम लिखी है, जो रोमांटिक पोइम तो नहीं है लेकिन रोमांटिक पोइम की पोइट्री की तरह ही इसमें विशेषताएं बताई गई हैं, लेकिन वो नेचर की नहीं है बल्कि भौतिक जगत की है। यानी यहाँ पे जैसे उन्होंने ट्रेन के बारे में बताया है, इस पोइम में 27 लाइन्स हैं। अब चलिए हम इस पोइम का टेक्स्ट देखते हैं, इस पोइम को हम पढ़ते हैं। आफ्टर द फर्स्ट पावरफुल प्लेन मैनिफेस्टो द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन्स विदाउट मोर्फर्स बट ग्लाइडिंग लाइक ए क्वीन शी लीव्स द स्टेशन। ये जो पहली पोइम की लाइन्स हैं इन्हीं में वो ट्रेन के बारे में बताते हैं कि वो जो ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, वो कितनी सुंदर और कितनी शानदार ट्रेन है। वो उसका जो एक वर्णन उन्होंने किया है, जैसे किसी नायिका का वर्णन किया जाता है, हीरोइन का वर्णन किया जाता है, किसी ड्रामा की जो प्रोटैगनिस्ट हीरोइन है उसके बारे में जैसे बताते हैं कि वो कितनी सुंदर है, कैसी वो उसकी जो चाल है, कैसा वो सुंदर दिखाई देती है, वैसे ही उन्होंने पूरा उसका वर्णन किया है। शुरुआत में वो कहते हैं आफ्टर द फर्स्ट पावरफुल प्लेन मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो जो है उद्घोषणा को कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक मैनिफेस्टो जो है वो प्ले जो ट्रेन है उसकी विशल यानी उसकी जो सीटी की आवाज़ है उसके लिए यहाँ पे आए हैं। पावरफुल मैनिफेस्टो यानी ट्रेन जब चलती है तो शुरुआत में बहुत तेज सीटी वो देती है। द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन्स, और जो ट्रेन के पिस्टन्स हैं यानी इंजन में जो पिस्टन लगे हुए होते हैं जो उसमें और उसको आगे बढ़ाने का चलाने का काम करते हैं, वो शुरू हुए विदाउट मोर्फस और बिना किसी और हलचल या कोलाहल के, शोर शराबे के, बट ग्लाइडिंग लाइक ए क्वीन, एक क्वीन की तरह। ग्लाइड का मतलब बिल्कुल, ग्लाइड का मतलब ऐसे फिसलना होता है यहाँ पे, और उसके धीरे धीरे चलने के लिए यानी जैसे ट्रेन शुरू होती है तो उसकी गति बहुत धीमी होती है, मंथर गति के साथ बहुत ही धीमी गति में, और वो ट्रेन जो है वो आगे बढ़ी। शी लीव्स द स्टेशन, और उसने स्टेशन को छोड़ दिया। विदाउट बोविंग एंड विद रेस्ट्रेंड अनकंसर्न शी पासिस द हाउसेज विच हम्बली क्राउड आउटसाइड। अब वो आगे बढ़ती है ट्रेन, तो आगे उसके रास्ते में क्या क्या आता है ये सारा वर्णन पोइट ने इस पोइम में किया है। वो कहते हैं विदाउट बोविंग, बो का मतलब होता है झुककर अभिवादन करना, नमस्ते करना। तो जैसे कोई रानी होती है वो चलती है तो वो अभिवादन नहीं करती है या न वो किसी के अभिवादन की तरफ ध्यान देती है, क्योंकि वो अपनी ही मस्ती में, अपने ही ध्यान में मग्न होती है। तो वैसे ही विदाउट बोविंग विद रेस्ट्रेंड अनकंसर्न यानी जानबूझकर अनकंसर्न होना यानी ध्यान नहीं देना, वो किसी पर भी आसपास क्या है उस पर ध्यान नहीं देती है। जैसे एक रानी चलती है, शी पासिस द हाउसेज, जो घर उसके चारों तरफ बने हुए हैं, जैसे ट्रेन चल रही है तो दोनों तरफ जो मकान बने हुए हैं, विच हम्बली क्राउड आउटसाइड, जो दोनों तरफ उसे घेरे हुए हैं, भीड़ उन मकानों की चारों तरफ बनी हुई है और वो हम्बल हैं जैसे सर्वेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, शी वर्ड काम मिल गया है, आप ध्यान दीजिए इस पे, शी लीव्स द स्टेशन। तो यानी यहाँ पे ट्रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। वो कहते हैं, पोइट कहते हैं कि वह एक रानी की तरह स्टेशन को छोड़ती है और चलती है, लोग जैसे अभिवादन करते हैं रानी का वैसे अभिवादन करते हैं, घेर के रहते हैं, भीड़ होती है लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देती है। चलिए आगे हम देखते हैं। द गैस वर्क्स एंड एट लास्ट द हैवी पेज ऑफ डेथ प्रिंटेड बाय ग्रेव स्टोन्स इन द सिमेट्री। Beyond the town, there lies the open country, where gathering speed, she acquires mystery, the luminous self-possession of ships on ocean. The gas works and at last the heavy pace of death. अब देखिए, जब वो आगे बढ़ती है ट्रेन तो कहाँ कहाँ से वो गुजरती है उसका रास्ता बताया गया है। गैस वर्क्स यानी जहाँ पे और गैस का काम जो है वो चलता रहता है, ईंधन का काम जहाँ पे चलता रहता है उस जगह से वो गुजरती है, और लास्ट में वो पहुँचती है एक हैवी पेज ऑफ डेथ यानी मृत्यु का पन्ना।
प्रिंटेड बाई ग्रेव स्टोन इन द सिमेट्री। ग्रेव स्टोन जो है यानी टूम जो है, कब्र के जो पत्थर हैं जो सिमेट्री में यानी कब्रिस्तान में लगे हुए होते हैं, उनको देख करके ऐसे लगता है जैसे कि मृत्यु के बड़े बड़े पेज हैं जिन पे नाम लिखे हुए हैं ग्रेव स्टोन के रूप में। यानी कब्रिस्तान के आगे से वो ट्रेन गुजरती है जिसको देख के ऐसे लगता है जैसे मृत्यु ने और वहाँ पे बड़े बड़े पेज लिख रखे हैं जिन पे नाम लिखे हुए हैं उनके जिनकी मृत्यु हो गई है। बियॉन्ड द टाउन देयर लाइज द ओपन कंट्री। और फिर वो टाउन से बाहर निकल जाती है गाड़ी, ओपन कंट्री में पहुँच जाती है यानी खुला स्थान जो हरियाली नेचुरल एरिया है वहाँ पर वो ट्रेन पहुँच जाती है। Where gathering speed she acquires mystery, और वहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो मिस्टीरियस बन जाती है यानी रहस्यमयी बन जाती है। The luminous self-possession of ships on ocean, उसके ऊपर चमक आ जाती है एक तरह की, इस तरह की चमक जैसे जहाज जो समुद्र में महासागर में चलती है उसके ऊपर जैसे चमक होती है वैसी चमक उस पर दिखाई देने लग जाती है। इट इज नाउ शी बिगिन्स टू सिंग। अब यहाँ पे पूरी तरह से उसका पर्सनिफिकेशन किया गया है, यहाँ आकर के वो गीत गाने लग जाती है। एट फर्स्ट क्वाइट लो देन लाउड एंड एट लास्ट विद जैजी मैडनेस। शुरू में वो धीमी आवाज में गाती है, उसके बाद थोड़ी तेज आवाज में गाती है और फिर तो जैसे जैज म्यूजिक होता है बहुत तेज धूम धड़ाके वाला गीत, तो उसकी सिटी की आवाज ऐसे सुनाई देने लग जाती है, बहुत तेज आवाज उसकी होती है, ऐसे लगता है जैसे ट्रेन गा रही है। द सॉन्ग ऑफ हर विशल स्क्रीमिंग एट कर्व्स ऑफ डेफनिंग टनल्स ब्रेक्स इननंबरेबल बर्ड्स। अब वो आवाज जो उसकी है सॉन्ग ऑफ हर विशल, उसकी सिटी की आवाज स्क्रीमिंग, जैसे वो चीख रही है, तेज आवाज है। एट कर्व्स यानी घुमाव पर, कर्व का मतलब है मोड़, तो जहां पर भी मोड़ होता है वहां पे वो तेज सिटी बजाती है। डेफनिंग टनल्स, टनल से जब वो गुजरती है यानी सुरंगों के अंदर से जब वो गुजरती है तो उसकी जो आवाज है वो बहुत ही और तेज आवाज हो जाती है। और जब वो ब्रेक लगाती है तो उसके ब्रेक लगाने की जो आवाज है इननंबरेबल बोल्ट्स, और असंख्य बोल्ट, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेन है उसको और उसके अंदर बहुत सारे बोल्ट लगे हुए हैं जो उसको कस करके और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए जो बोल्ट लगाए जाते हैं वो बहुत सारे बोल्ट लगे हुए हैं, उनकी तेज आवाज़ सुनाई देती है। एंड ऑलवेज लाइट एरियल अंडरनीथ गोज द इलेट मीटर ऑफ हर व्हील्स। और वहां से गुजरते हुए तेज आवाज सुनाई देती है, उसके बोल्ट की आवाज और उसकी जो इंजन है उसकी आवाज, सीटी की आवाज, ब्रेक की आवाज, ये सारी एक संगीत पैदा करती हैं। एंड ऑलवेज लाइट एरियल अंडरनीथ गोज द इलेट मीटर ऑफ हर व्हील्स। और हमेशा लाइट और एरियल ऐसे चलती है वो बिल्कुल लाइट की तरह। लाइट यहाँ दो अर्थों में है, हल्के के अर्थ में और एक तेज प्रकाश के अर्थ में। एरियल जैसे हवा से बातें करती हो वो। अंडरनीथ गोज द इलेट मीटर ऑफ हर व्हील्स, और नीचे ट्रेन के नीचे जो पहिए हैं वो इलेट यानी बहुत ही और खुश प्रसन्नचित वो दिखाई देते हैं। मीटर ऑफ हर व्हील्स, उसके व्हील जो है उसका मीटर यानी डायामीटर जो है उसका वृत्त जो है वो घूमता रहता है, पहिए उसके घूमते रहते हैं और वो ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती रहती है। स्टीमिंग थ्रू मेटल लैंडस्केप ऑन हर लाइन्स शी प्लंजेस न्यू एराज ऑफ वाइल्ड हैप्पीनेस वेयर स्पीड थ्रोज अप स्ट्रेंज शेप्स ब्रॉड कर्व्स एंड पैरेलल्स क्लीन लाइक द स्टील ऑफ गन्स एट लास्ट फर्दर देन एडिनबर्ग और रोम। स्टीमिंग थ्रू मेटल लैंडस्केप, अब वह जो जहां से वो गुजरती है स्टीम करते हुए यानी भाप, उसके वाष्प के रूप में भाप जो है वो निकलती रहती है। मेटल लैंडस्केप,
ऑन हर लाइंस, जो पटरियां जो हैं वो मेटल का लैंडस्केप है, यानी वो एक तरह से मेटल की बनी हुई हैं, इस्पात की बनी हुई हैं, उनके ऊपर से वो धुआं छोड़ते हुए और चलती रहती है। शी प्लंजेस न्यू एराज ऑफ वाइल्ड हैप्पीनेस, और फिर वो प्लंज करती है। प्लंज करने का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है छलांग लगाना, लेकिन यहाँ पे प्रवेश करने के अर्थ में आया है, वो खुशी के और दूसरे ही युग में प्रवेश कर जाती है। एरा मीन्स युग, तो खुशी के एक अद्भुत युग में और वो ट्रेन प्रवेश कर जाती है। वेयर स्पीड थ्रोज अप स्ट्रेंज शेप्स ब्रॉड कर्व्स, जहाँ उसकी गति जो है वो अलग अलग आकृतियाँ दिखाती हैं। स्ट्रेंज शेप्स यानी विचित्र आकृतियाँ उसकी बनती चली जाती हैं, ब्रॉड कर्व्स और बड़े बड़े घुमाव आते रहते हैं रास्ते में। एंड पैरेलल्स क्लीन लाइक द स्टील ऑफ गन्स, और जो पैरेलल है यानी दोनों जो पटरियाँ हैं जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं, और जैसे स्टील ऑफ गन्स वो ऐसे चमकती हैं जैसे किसी बंदूक का जो इस्पात है, जो स्टील है वो जैसे चमकता है। एट लास्ट फर्दर देन एडिनबर्ग और रोम, और फिर वो ट्रेन जो है वो पहुंच जाती है एडिनबर्ग और रोम से भी आगे, यानी ये दो जगहों के नाम बताए हैं जहां से भी वो आगे पहुंच जाती है। बियॉन्ड द क्रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शी रीचेज नाइट, वेयर ओनली ए लो Streamline brightness of phosphorus on the tossing hills is white. और फिर वो पहुंचती है crest of the world, दुनिया के शिखर, crest का मतलब शिखर, दुनिया के शिखर से भी पार वो चली जाती है। तो यहाँ पे जो figure of speech है वो hyperbole अतिशोक्ति है। She reaches night, वो ऐसी अंधेरी रात में पहुंचती है, where only a low streamline brightness, जहाँ सिर्फ एक स्ट्रीम लाइन, एक हल्की धुंधली ब्राइटनेस, चमक जो है वो दिखाई देती है। और फॉस्फरस, फॉस्फरस वो पदार्थ होता है जो दिया सलाई में, यानी मैच स्टिक जो होती है दिया सलाई, उसके ऊपर जो लगा होता है, जो जलाने के काम आता है, वो फॉस्फरस होता है। तो ऐसे लगता है जैसे फॉस्फरस की एक पतली सी लाइन, जो एक रोशनी है, वो लाइन की तरह और दिखाई देती है ऐसी अंधेरे में, और उसकी जो रोशनी है वो चमकती हुई ऐसे लगती है जैसे ट्रेन इतनी तेज गति से चलती है, वो एक लाइन सी लगती है रोशनी की। टॉसिंग हिल्स, और पहाड़ियों में वो ऐसे लगता है जैसे टॉस कर रही है, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसकी गति जो है उसके कारण वो लाइन ऐसे लगता है जैसे ऊपर नीचे उसमें और लहर सी बन रही है। लाइक ए कॉमेट थ्रू फ्लेम, और फिर वो एक तारे की तरह, एक कॉमेट की तरह, यानी एक उल्कापिंड की तरह, थ्रू फ्लेम, जो आग में जलते हुए नीचे की तरफ आता है, वैसे वो एक तेज आग के गोले की तरह चलने लग जाती है। शी मूव्स एंट्रेंस्ड रैप्ड इन हर म्यूजिक, और फिर वो चलती रहती है एंट्रेंस्ड, ऐसे लगता है जैसे वो मंत्रमुग्ध होके चल रही है। एंट्रेंस्ड का मतलब मंत्रमुग्ध होना। रैप्ड इन हर म्यूजिक नो बर्ड सॉन्ग नो नोर बो ब्रेकिंग विद हनी बर्ड्स शैल एवर इक्वल। अब लास्ट में पोइट उसके साउंड की तुलना करता है, जैसे पोइट्स जो हैं वो जैसे नाइटिंगेल बर्ड की तुलना की थी जॉन कीट्स ने अपने पोइम में, वैसे ही वो उसके सॉन्ग की तुलना करते हैं कि उसके संगीत की तुलना किसी बर्ड के साथ, किसी पक्षी के साथ नहीं कर सकते हैं, नोर बो ब्रेकिंग विद हनी बर्ड्स, और न ही किसी पक्षी के गीत से उसकी तुलना हो सकती है, और न ही किसी हनी बर्ड्स यानी जो कलियाँ खिली हुई हैं पेड़ों पर, जिन पे भौंरे मंडराते रहते हैं हनी के लिए यानी शहद के लिए, उनसे आने वाली जो भौरों की गूंजने की आवाज़ है, गुंजन है, उसकी भी तुलना हम इसके गीत से नहीं कर सकते, यानी इसकी आवाज़ इतनी मधुर है शैल एवर इक्वल, यानी इसकी बराबरी, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये थी पोइम। अब हम इसके कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। स्टीफन स्पेंडर्स द एक्सप्रेस ग्लोरिफाइज द एक्सप्रेस ट्रेन,
द ट्रेन हियर इज अ सिंबल ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, यहाँ ट्रेन जो है वो एक प्रतीक है आधुनिक और औद्योगिक सभ्यता का। द ग्लोरियस रनिंग ऑफ द ट्रेन टू इट्स डेस्टिनेशन इज विविडली पिक्चराइज्ड बाय द पोएट। द विशल दैट अनाउंसेस द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनिफेस्टो। द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज लाइक द मेजेस्टिक मूवमेंट ऑफ अ क्वीन। तो कुछ यहाँ पे इमेजरी वगैरह भी यूज हुई है, कुछ सिंबल्स हैं, आइए हम उनकी बात करते हैं। रोमांटिक पोइट्स ऑफन लीव द सिटी एंड फाइंड सोलेस इन द लैप ऑफ नेचर। देखिए रोमांटिक पोइट्स में और इसमें क्या फर्क है, रोमांटिक पोइट्स हमेशा प्रकृति की गोद में आराम पाते हैं, लेकिन स्पेंडर की जो पोइम है वो ट्रेन को रोमांटिक पोइट्री का सब्जेक्ट बना देती है। वो कहते हैं कि दुनिया जो मशीनों की दुनिया है वो प्रकृति की सौंदर्य से और ज़्यादा सुंदर है। मीटर, द एक्सप्रेस बाय स्टीफन स्पेंडर इज अ सेमी मीटर फ्री वर्स पोइम। इसमें फ्री वर्स का यूज किया गया है और कहीं कहीं पर कुछ लाइनों में आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक मीटर का भी यूज उन्होंने किया है और इसमें फ्री वर्स है, यानी इसमें कोई भी मीटर का यूज नहीं किया गया है। इसमें कोई राइम स्कीम भी नहीं है। स्पेंडर डज इंक्लूड टू इंस्टेंसेज ऑफ राइम, दो जगह पे उन्होंने राइम का प्रयोग किया है, जैसे 7-9 नंबर लाइन है, ऑफ डेथ प्रिंटेड बाय ग्रेवस्टोन इन द सिमेट्री कंट्री मिस्ट्री, यहाँ पे उन्होंने राइम का प्रयोग जरूर किया है। एंड राइम जो है इनमें है सिमेट्री कंट्री और मिस्ट्री में। मेटाफर इसमें यूज किया है पोइट ने, द अंडरलाइंग मेटाफर पर्सोनिफाइज द एक्सप्रेस लोकोमोटिव एंड कंपेयर्स हर टू ए क्वीन। उन्होंने ट्रेन को क्वीन से कंपेयर किया है, बट ग्लाइडिंग लाइक ए क्वीन शी लीव्स द स्टेशन। अलग अलग कुछ पोएटिक डिवाइसेज जो स्पेंडर ने यूज किए हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन इसमें आया है, पूरी पोएम में उन्होंने पर्सोनिफाई किया है ट्रेन को, और मेटाफर का यूज उन्होंने किया है, कंपेरिजन किया है जैसे लैंडस्केप का रेलवे ट्रैक्स के लिए, स्ट्रीमिंग थ्रू मेटल लैंडस्केप ऑन हर लाइन्स। स्पेंडर ने मेटाफर एक जगह और भी काम में लिया है, जहाँ पे वो विशल जो है उसको सॉन्ग से कंपेयर करते हैं, शी बिगिंस टू सिंग, सिटी की तुलना उन्होंने गीत से की है। स्पेंडर ने दो सिमिलीज का यूज भी इसमें किया है, एंड पैरेलल्स क्लीन लाइक ट्रेजेक्टरीज फ्रॉम गन्स, और दूसरा है लाइक ए कॉमेट थ्रू फ्लेम शी मूव्स एंट्रेंस्ड, इन दो लाइनों में उन्होंने सिमिली का यूज भी किया है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।